ये पार्ट सेकंड संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको छंद शास्त्र के विषय में बताता हूँ। हमारे पाठ्यक्रम में छंद का भी उल्लेख है। छंद का जो प्रयोग है वो हमारे प्राचीन वैदिक साहित्य से ही प्राप्त होता है। वेदों में जो मंत्र हैं वो छंदोबद्ध लिखे गए हैं। इसके पश्चात तो लौकिक संस्कृत साहित्य प्राप्त होता है और उस लौकिक संस्कृत साहित्य से पहले षड वेदांगों का निर्माण हुआ, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, वहाँ छंद का भी उल्लेख किया गया और वहाँ कहा गया कि छंदः पादौ तु वेदस्य। छंद क्या है? वेद के पैर हैं। अब जो छंद शास्त्र हमको प्राप्त होता है उसके आदि आचार्य पिंगल मुनि माने जाते हैं। उनका छंद का जो ग्रंथ है वो है छंदः शास्त्र। ये सूत्रबद्ध लिखा हुआ है, इसलिए इसे हम पिंगल सूत्र के नाम से भी कहते हैं। छंद के दूसरे जो प्रमुख आचार्य हैं वो केदार भट्ट माने जाते हैं, जिनका छंद का प्रमुख ग्रंथ है वृत्तरत्नाकर। ये एक छंद का भी प्रमाणिक ग्रंथ है। आज हमको जो लौकिक साहित्य है उसमें छंद प्राप्त होते हैं, उनको हम दो भागों में विभक्त करते हैं, एक वर्णिक छंद, दूसरा मात्रिक छंद। वर्णिक छंद को वृत्त छंद भी कहते हैं और मात्रिक छंद को जाति छंद भी कहते हैं। वर्णिक छंद किसे कहेंगे? जिनमें वर्णों की संख्या के आधार पर छंद का निर्धारण किया जाए उसे वर्णिक छंद कहेंगे। और मात्रिक छंद किसे कहेंगे? जिस छंद में मात्राओं के द्वारा छंद का निर्धारण किया जाता है। अब हम देखेंगे कि छंद कहते किसे हैं। छंद में जो वाक्य होगा, जो श्लोक होगा, उस श्लोक की प्रत्येक जो पंक्तियां हैं उसको छंद में चरण कहा जाता है। अब चूंकि हमने बताया कि छंद दो हैं, वर्ण और मात्रा, और वर्ण मात्रा में क्या होगा? एक निश्चितता होगी। इसलिए हम इस छंद की परिभाषा यदि बनाते हैं तो कहेंगे कि जब निश्चित वर्ण और निश्चित मात्राओं को पाद मानकर रचे गए वाक्य या वाक्य समूह को हम क्या कहेंगे? छंद कहेंगे। अभी जो मैंने आपको बताया कि छंद दो प्रकार के हैं, वर्णिक और मात्रिक। वर्णिक में वर्णों की संख्या के द्वारा छंदों का निर्धारण किया जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो निर्धारित वर्ण हैं उसमें कई हमको छंद प्राप्त हो जाते हैं, तो वहां उनमें गण लगा करके उस छंद का निर्धारण किया जाता है। वृत्त छंद जो हमारा वर्णिक छंद है उसको वृत्त छंद भी कहा जाता है। वृत्त तीन प्रकार के होते हैं, समवृत्त, अर्ध समवृत्त और विषम। अब समवृत्त किसे कहेंगे? चूंकि जो श्लोक होगा उसमें चार चरण होंगे, तो जहां चारों चरणों में वर्ण समान हों, मात्राएं समान हों, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम वर्णिक समवृत्त छंद। दूसरा है अर्ध समवृत्त। अर्ध समवृत्त का तात्पर्य आधा, अर्थात पहली और तीसरी पंक्ति, दूसरी और चौथी पंक्ति में जब समानता होती है उसे हम अर्ध समवृत्त कहेंगे। और विषम, जब चार चरणों में कोई समानता नहीं होती उसे हम विषम छंद कहते हैं। ये है हमारे वर्णिक छंद में। दूसरा है मात्रिक, जिसे जाति छंद कहते हैं। इनमें मात्राओं के द्वारा छंद का निर्धारण किया जाता है और इसमें प्रमुख रूप से जो छंद प्राप्त होता है वो हमको आर्य है। इसके अलावा जो हम महत्वपूर्ण लौकिक को संस्कृत में छंद पढ़ते हैं वो सारे हमारे वर्णिक छंद हैं। अब जो कि हमारे वर्णों में निर्धारित वर्णों की संख्या करते हैं लेकिन उसमें गण लगाते हैं, तो गण कितने प्रकार के होते हैं? गण आठ प्रकार के होते हैं। इसको हम याद कैसे करेंगे? उसके लिए एक सूत्र है, ये मा ता रा जे भा ने से
ले गह, ये हमारा जो हमारे गण का सूत्र है उसके आधार से हम गण निर्धारित करेंगे। अब इसमें देखोगे कि आठ वर्ण हैं। अब आठ वर्ण में जो प्लस दो लघु और गुरु, अब टोटल कितने हुए? दस। लेकिन हमने यहां दस क्यों लिए? क्योंकि गण तो आठ हैं, लेकिन जो हमारे गण हैं उन गण के आगे जो दो वर्ण हैं उनमें जो लगने वाली मात्रा है हम उनको भी गिनते हैं। जैसे हम कहें यगण, तो यगण में कौन कौन सी मात्रा आएंगी? ये गिनेंगे आगे के दो वर्ण, ये मा ता, अर्थात लघु गुरु गुरु। इस तरीके से हम गणों का निर्धारित करेंगे। अब जो भी हम श्लोक होगा उसमें यति और गति का ध्यान रखेंगे। यति का तात्पर्य अल्प विराम, जब हम श्लोक का उच्चारण करते हैं वह थोड़ा सा जब रुकते हैं उसे यति कहेंगे, और गति का तात्पर्य उस श्लोक का हम निरंतर उच्चारण करना, वो हमारी गति है। इसके पश्चात उसमें दो तरह के गणों में मात्राएं होती हैं, एक लघु की मात्रा दूसरी गुरु की मात्रा। अब जो लघु की जो मात्रा होती है वह जहां भी ह्रस्व स्वर होगा वहां लगाई जाएगी, जैसे ए ई उ और री, ये जो ह्रस्व स्वर हैं उनमें लघु की मात्रा लगाई जाएगी। और जो गुरु की जो मात्रा है वो जो दीर्घ स्वर है जैसे आ ई उ री ए ओ ऐ औ, इनमें हम गुरु की मात्रा लगाएंगे। इसके अलावा गुरु की मात्रा और हम जहां पर भी हमारा कोई अनुस्वार वर्ण होगा उस अनुस्वार वाले वर्ण में भी हम गुरु की मात्रा लगाएंगे। जैसे मंगल, मैं के ऊपर जो अनुस्वार है तो मैं पर हम गुरु की मात्रा लगाएंगे। गे लघु और ले यह भी लघु, अर्थात गुरु लघु और लघु ये मात्रा लगाएंगे। इसके बाद विसर्ग जहां लगा हो स्वर या स्वर से युक्त व्यंजन वर्ण में वहां पर भी वह विसर्ग युक्त में हम गुरु की मात्रा लगाएंगे। जैसे रामः, रा यह हम गुरु प्राप्त होता है और मैं चूंकि लघु प्राप्त हो रहा है लेकिन विसर्ग मैं के आगे होने के कारण मैं में हम गुरु की मात्रा लगाएंगे। इसके अलावा जहां संयुक्त अक्षर आए उस संयुक्त अक्षर से पहले वाला वर्ण हमेशा गुरु होता है, जैसे विद्या, तो विद्या में चूंकि वी में छोटी की मात्रा है तो यहां लघु की मात्रा आनी चाहिए, लेकिन द्या संयुक्त अक्षर है इसलिए वी में भी गुरु की मात्रा आएगी, क्योंकि संयुक्त अक्षर से पहले वाला वर्ण गुरु होता है इसलिए विद्या में गुरु और गुरु की मात्रा लगाई जाती है। इसके अलावा छंद के चारों चरणों में, यदि तीन चरणों में गुरु की मात्रा आ रही हो एक में लघु की मात्रा आ रही हो तो उसे हम विकल्प से लघु को गुरु बना देते हैं। ये हमारा छंद के विषय में जानकारी है। धन्यवाद।